सो आज होगा इसका 1 लीटर माइलेज टेस्ट। सो देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है अपने को। तो फटाफट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो सबसे पहला काम इसका पेट्रोल चेक कर लेते हैं, कितना पेट्रोल अभी है अपनी गाड़ी में। ओके ठीक है, चलो ब्लिंक कर रहा है विच मीन्स ऑलरेडी कम है, बट कितना कम है ये अभी अपने को चेक करना है। आई होप कम ही हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ट्राई किया था, काफ़ी पेट्रोल निकला था और अभी भी मेरे को काफ़ी पेट्रोल दिख रहा है। सो आई एम नॉट श्योर, दिख तो रहा है यार काफ़ी। चलो ठीक है, निकाल के देखते हैं कितना निकल सकता है। सो बहुत कोशिश किया है मैंने, और जो इतना लाइट देखो पूरा टैंक ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, बहुत कम पेट्रोल है और ये निकल नहीं रहा है पाइप से। ठीक है, सो ये इतना सी बचा है, सो ट्राई करेंगे कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। बट कितना पेट्रोल अभी अपनी गाड़ी से निकल गया है वो मैं आपको बताता हूँ। सो ये टोटल इतना पेट्रोल अपनी गाड़ी में अभी था जो हम लोगों ने निकाल दिया, ये 1 लीटर से कम है। ठीक है, तो हम लोग अभी नॉर्मली चला कर जो है एग्जैक्टली पेट्रोल पंप तक पहुँचेंगे। इस बॉटल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपरली 1 लीटर की है नहीं। तो हम लोग फ़िलहाल जाएंगे थोड़ा यहाँ वहाँ, जब तक चलती है तब तक चलाएंगे, एंड देन उसके बाद में जैसे ही पेट्रोल ख़त्म होगा पेट्रोल पंप से स्ट्रेट अवे 1 लीटर का पेट्रोल चलाएंगे, एंड उस बेसिस पे अपन टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल चलते हैं बाइक पे, मिलते हैं आपसे। पेट्रोल हो गया है ख़त्म और हम लोग पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे आप लोग देखोगे जितने भी पेट्रोल पंप पे एम्प्लॉई है जो पेट्रोल भर रहे हैं, सब लेडीज़ है, सब वुमेंस है। अच्छा लग रहा है देख करके, वुमेंस के लिए भी यू नो काफ़ी सारी वैकेंसीज होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। हम सिर्फ ऑफिस के लिए समझते थे, बट देख ही लो भाई सामने, देखो एक और सामने है जो वहाँ पे पेट्रोल भर रहे हैं, एक यहाँ पे पेट्रोल भर रहे हैं, एक वहाँ पे। तो अच्छा लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वुमेंस के लिए भी, विच इज़ गुड। सिर्फ 1 लीटर डालना, सिर्फ 1 लीटर। ठीक है, भाई पेट्रोल तो स्टार्ट होता है 3 रुपये से, पता नहीं 3 रुपये में कितना निकलता है, बट ठीक है 106.35 चल रहा है फिलहाल। अमाउंट हो गया अपना 1 लीटर, ठीक है 106 रुपये का गया। तो ये पेट्रोल पंप है JVLR रोड पे, इंडियन ऑयल। ओवरऑल इतना किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी तक, 7498 मतलब 7500 आज कंप्लीट हो जाएगा अपना। और ये ट्रिप है जो लास्ट टाइम मैंने 2 बार ट्राई किया हो और दोनों बार फेल हो गया हो, जस्ट बिकॉज टाइम की वजह से पेट्रोल ख़त्म नहीं हो रहा था अपनी गाड़ी में, उस वजह से भी प्रॉब्लम आई है। तो इसी वजह से 2 बार ट्राई किया, अब ये 3rd टाइम है, एंड इंशाल्लाह इस बार तो अपन कर ही लगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल 0 करता हूँ। ये हो गया 0.0 किलोमीटर, ठीक है ट्रिप ए 0.0 किलोमीटर। अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिप। 1 लीटर पेट्रोल डल चुका है अंदर, देखते हैं अभी 4th एंड फाइनल सर्विस के बाद में क्या परफॉर्म कर रही है अपनी बगमैन, कितना माइलेज मिल रहा है अपने को। सो चलते हैं, बिस्मिल्लाह। बाकी तो परफॉर्मेंस के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है अपनी, और मतलब जितना मैंने सोचा था कि हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकेगी माइलेज में, थोड़ा आएगा ऊपर नीचे तो वो तो है ही, या तो ऊपर माइलेज मिलेगा या फिर 1-2 किलोमीटर नीचे अपने को मिलेगा। बट ठीक है, वो 1-2 किलोमीटर तो समझ में आता है, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती होगी माइलेज अपने आप वो नीचे होते रहेगा, तो वो तो अपने को पता ही है। ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस वाइज स्पीड वाइज कोई इशू नहीं आया अब तक, गाड़ी काफ़ी अच्छी चली है और कोई अभी तक कोई ऐसा खर्चा वगैरह भी नहीं आया है गाड़ी में, तो कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है अब तक। क्या हो गया भाई को पूछ लेता हूँ मैं, क्या हो गया भाई, पेट्रोल ख़त्म हो गया या पीछे ही है पेट्रोल पंप? आगे भी है वैसे तो, लेकिन पीछे भी है इधर साइड में, हाँ पास में ही है देखो ना उधर, या चलना है आगे वाला, चलना है तो मैं आपको टो कर देता हूँ। चलो हाँ हाँ इधर है, ज़्यादा लंबा नहीं, एक और है नज़दीक में, आप बैठ जाना, देखो थोड़ा उस तरफ आना पड़ेगा। चलिए
आप ब्रेक मत मारो, आप चलो आराम से, ठीक है? आप ब्रेक नहीं मारना। चलिए देखिए, अभी माइलेज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बट कोई बात नहीं, अब ये भी थोड़ा इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर कहीं ना कहीं, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन, वो इतना कुछ मैटर करेगा नहीं। बट वो कब तक अभी धक्का मार के ले जाते यार। ले चलते हैं इनको, चलिए, नो प्रॉब्लम यार। वैसे पैर पे लग तो गया मेरे को, उनका पता नहीं कुछ चीज़ें मेरे को लगी आके, मेरी स्किन निकल गई है, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन, कुछ इतना मेजर नहीं है। तो फिलहाल 2.1 किलोमीटर हो चुका है अपना, और अभी तो काफ़ी लंबा जाना है, और इस 2.1 किलोमीटर में एक हादसा तो हो गया है अपने साथ में, और मेरी गलती है इसमें, क्योंकि मैं दुआ पढ़ के नहीं निकला हूँ, इस वजह से ये हादसा हुआ है। तो सबसे पहले बिना कुछ टाइम वेस्ट किए दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद में आगे की जर्नी कम्प्लीट करते हैं। तो ये जो टेस्टिंग होगा ये बेसिकली सभी के लिए, राइडर्स तो जो करते हैं वो तो उनके लिए है ही, बट उसके बाद जो डेली कम्यूट करते हैं उन, वो भी जो है नॉर्मली ट्रैफिक से निकलते हैं, फिर हाईवे पकड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो भी करते हैं, तो उस बेसिस पे उनके लिए भी ये टेस्टिंग यूज़फुल रहेगी, क्योंकि वो पता कर सकते हैं कि डेली कम्यूट के लिए उनको कितना पेट्रोल जा रहा है। अब तक हम लोग 6.2 किलोमीटर चल चुके हैं, और बाकी जितने भी राइडर्स जो मॉर्निंग राइड के लिए गए थे वो सब रिटर्न जा रहे हैं अपने अपने घर, और अभी हम लोग निकल रहे हैं ये टाइम पर। बट ठीक है, अपने को कहीं इतना लंबा जाना नहीं था, टेस्टिंग ही करनी थी, तो ये टाइम भी ठीक है। मैंने वैसे एक चीज़ नोटिस किया है बगबैन में, पानी में जब हम लोग पानी में राइड करते हैं ना उसको, तो टायर कुछ ज़्यादा ही स्लिप करता है। मतलब ये हो सकता है कि मैंने जिस हिसाब से जज किया है वो गलत भी हो सकता है, बट मुझे जैसा लगा, जैसे मैंने काफ़ी बार इसको पानी में राइड करने का ट्राई किया है, तो जब भी पानी में मैं थोड़ा एक्सी देता हूँ ना, तो टायर स्लिप करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के साथ हुआ है ये चीज़, बट हुआ है मेरे साथ में, तो उस बेसिस पे मैं इसका रिव्यू बता रहा हूँ कि टायर स्लिप करते हैं, उतनी अच्छी ग्रिप नहीं है जितनी होनी चाहिए, या मे भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैंने प्रॉपरली इसको टेस्ट नहीं किया या जज नहीं किया उस बेसिस पे, बट जितना भी किया उस बेसिस पे मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि टायर स्लिप हो रहा है। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है रोड्स पे, आपने भी पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, आजकल ना मोटो व्लॉगर बहुत ज़्यादा देखने लगे, बहुत ज़्यादा, मतलब पहले इतने नहीं थे, अभी आप देखो रोड पे जितनी भी गाड़ी चल रही होगी ना, एटलीस्ट उनको उन गाड़ियों में से एक दो गाड़ियाँ तो ऐसी मिलती है जहाँ पे वो बंदा या तो राइड करता है लॉन्ग रोड पे, ठीक है, या तो वो राइडर है या फिर वो मोटो ब्लॉगर है। थोड़ा बहुत तादाद जो है इंक्रीज़ हो गई है अभी राइडर्स की, मोटो ब्लॉगर्स की, तो कंपटीशन बढ़ गया है अपने लिए। वैसे हम लोग कंपटीशन में आते नहीं है, हमारी तो स्कूटी है भाई, स्कूटी पे ही चलते हैं हम लोग। जब बाइक होगी तब हो सकता है कि हम लोग कम्पीट कर सकें उन लोगों के साथ, बट ठीक है, उनका क्राइटेरिया अलग है, अपना क्राइटेरिया अलग है, तो अभी फ़िलहाल जिस क्राइटेरिया में है उस क्राइटेरिया में ही रहते हैं। रोड अभी अपने को खाली मिलेगा, कांस्टेंट स्पीड चल रही है मेरी अभी फ़िलहाल 84-85, कम ज़्यादा हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं। डेली कम्यूट वाले भी ये इतना तक तो जाते ही है, 90 तक तो एटलीस्ट मैं पकड़ चलूँ कि जब रोड खाली हो तो 90 तक तो पहुँच ही जाता है। और राइडर्स की अगर बात करूँ तो ठीक है, उनको थोड़ी बहुत खुजली रहती है, तो 95-96 तक भी पहुँचते हैं वो लोग, 100 भी पहुँच के चलते हैं, जैसे अभी मैं पहुँच रहा हूँ, तो मुझे भी खुजली आ रही है, बट नहीं, अपने को उतना नहीं जाना, तो कम करते हैं, लिमिट में रहते हैं। अपडेट है, अभी तक फ़िलहाल हम लोग 12.7 किलोमीटर चल चुके हैं, और अभी चलते हैं, टाइम हो गया 12:40 फ़िलहाल। वैसे एक और चीज़ है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, बट मैंने 2-3 वीडियोज़ देखे इसके ऊपर, लोगों ने स्कूटीज़ में भी जो है रिलीजन को बीच में ले गया आगे। मतलब लोगों का कहना ये है कि बगमैन जो है वो मुस्लिम गाड़ी है, बगमैन है मुस्लिम गाड़ी। मतलब ठीक है यार, इतना भी सच नहीं बोलना होता है, मुस्लिम गाड़ी समझ लो इसको, क्योंकि 90% मुस्लिम से बगमैन यूज़ कर रहे हैं, तो यस ठीक है, जो भी है, क्या क्या लोग भी क्या क्या सोचते हैं यार, मतलब इतना फ्री टाइम होता है लोगों के पास सोचने के लिए। 17.1 किलोमीटर सो फार, चलो चलो भाई, रुकना नहीं है अपने को,
चलते रहना चाहता हूँ, मैं चलते रहना चाहता हूँ, कहीं रुकना नहीं अपने को। मेरी पहली गाड़ी डियो जो आज भी रखी है, इंशाल्लाह उस पर भी एक ना एक दिन उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसको कंप्लीट रिस्टोरेशन कर दूंगा पूरा। तो एकदम बहुत हालत ख़राब हो गई है उसकी अभी, बट उसको आगे चल के ना बहुत अच्छे से रिस्टोर कर दूंगा, बेचूंगा नहीं उसको। ये ब्रिज देखो भाई, आगे से पूरा घुमा के लेके जा रहा है। सही है। सो 22.1 किलोमीटर पहुंच गए अब तक के। तो पीछे अपनी हाईवे राइड हुई काफ़ी अच्छे से। अभी आप देख रहे हो तो अभी सामने मेरे ट्रैफिक है, तो हम लोग वही चल रहा है अपना एक्सी ब्रेक, ठीक है। तो ये तो रहेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग 24.9 किलोमीटर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, विच मीन 25 किलोमीटर आप पकड़ लो, तो 25 किलोमीटर पहुंच गए हम लोग। लास्ट टाइम आप लोग ने मेरा क्या है यार, कैसे चलाते हो। लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरा अगर वीडियो देखा होगा माइलेज का, तो उसमें हम लोगों ने 50 किलोमीटर का माइलेज टच किया था बर्गमैन के साथ में, वो भी सेकंड सर्विस के बाद, ठीक है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट आधा 25 किलोमीटर, और अभी इस वक्त अपनी फोर्थ और फाइनल सर्विस भी हो चुकी है, उसके बाद का ये माइलेज है। सो अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को, 28.4 किलोमीटर अब तक चल चुके हैं हम लोग अभी। मुझे जहाँ तक इतना पता है कि 45 किलोमीटर तक तो आराम से जा सकते हैं। अब 45 के ऊपर कितना जाएंगे कितना नहीं जाएंगे वो देखना बाकी है, तो ये चीज़ है। 32.4 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। चल जा धन्नो, देखते हैं आज आप कितना चलोगे। अपडेट है माइलेज पे, 42.7 किलोमीटर चल चुके हम लोग, ठीक है। भिवंडी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। अभी हम लोग गांव-गांव के रास्ते में। अब यहाँ पे ऐसा है ना कि कुछ रास्ते अच्छे हैं और कुछ रास्ते बहुत ख़राब है। अभी ये देखो रास्ते देखो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट रास्ते ऐसे भी है और कुछ रास्ते सीधे सीधे स्ट्रेट प्लेन रोड भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ रास्ते से भी जाएंगे जहाँ पे रास्ते ख़राब हो गए, तो वो ये सब रास्तों की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे भी अपना ब्रेकिंग एक्सी यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो फिलहाल अभी 42.9 किलोमीटर हम लोग ऑलमोस्ट चल चुके हैं, विच मीन्स अभी हो जाएंगे 43 किलोमीटर। बट अब तक कुछ एहसास नहीं हुआ है। मुझे इतना तो है कि 45 किलोमीटर तक तो हम लोग आराम से पहुंचेंगे। 45 किलोमीटर हम लोग टच कर चुके हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन मैंने रखी है 45 किलोमीटर की, वो तो टच हो गई है अपनी। तो मेरा गोप्रो हो गया है बंद, बैटरी हो गई है ख़त्म। बट अगर तुम लोगों को मैं एवरेज बता रहा हूँ ना, तो ये देखो भाई, 49.8 किलोमीटर का एवरेज मिल रहा है अपने को। 49.8 किलोमीटर देखो, मैंने जो भी टेस्टिंग की है ना, बहुत जेन्युइन है। कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं है, कुछ नहीं है, प्योर जेन्युइन टेस्ट है अपना। 51.9 किलोमीटर हो गया, गाड़ी अभी भी चल रही है, गाड़ी रुकी नहीं रही है। कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगी अपने को ये गाड़ी। 52 किलोमीटर पर लीटर, यस। एक्सपेक्टिंग के 55 तक तो एटलीस्ट हम लोग पहुँच जाए इस बार। नॉट श्योर जाएगी नहीं जाएगी, बट जो भी है लेट्स ट्राई एंड होप के चले जाए। हो सकता है आपको मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा होगा, क्योंकि विंड भी काफ़ी चल रही है, तो उस वजह से शायद हवा के वजह से जो है आवाज़ें बहुत स्लो होगी। बट आप लोग मेरी आवाज़ें छोड़ के माइलेज ही देखें, क्या माइलेज मिल रहा है, क्योंकि मेरा बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप लोगों को दिख रहा है इसमें। तो बस ये चीज़ देखो और ये चीज़ देखो, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा होगा कहाँ पहुँच गया। 52.7 किलोमीटर भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग 55, देखते हैं 55 तक पहुँचती है क्या नहीं। मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा है कि अपनी गाड़ी इतना एवरेज तक पहुँच सकती है। कितना एवरेज अभी मिला है अपने को पता है, 55 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है, और गाड़ी अभी भी रनिंग है। देख लो गाड़ी अभी भी चल रही है, नहीं पता और कितना ले जाएगी, बट चल रही है। पर हम लोग भी चला रहे हैं, काफ़ी आगे निकल गए मंजिल के बाद, देखते हैं कितना मिलने वाला है। 55 नहीं सोचा था मैंने कि 55 मिलेगा अपने को, बट ठीक है यार, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये एवरेज देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से गाड़ी ने परफॉर्म किया वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा मैंने हाईवे पे राइड किया,
मैंने नॉर्मल जो खड़बड़े रास्ते थे बाद में जो हमें मिले मैंने वहाँ पे राइड किया, मैंने सिटी ट्रैफिक के अंदर राइड किया और वो सब मिला के ये एवरेज मिलना बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। मतलब लोग जो मुझे बोलते थे ना कि भाई हमें 55 का मिला है, 60 का एवरेज मिला है, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद झूठ बोल रहे हैं, बट कोई एंगल से मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी वो लोग झूठ बोल रहे हैं। कोई एंगल से मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, आगे वो लोग सच बात कर रहे थे। मे बी वो लोग शायद पावर वगैरह डलवा रहे होंगे या फिर वो लोग इकोनॉमी में चला रहे होंगे, इसी वजह से उनको 60 का भी एवरेज मिला। बट हम लोगों ने हर तरीके से चलाया और हर तरीके से चलाने के बाद अपने 55.5 किलोमीटर का एवरेज और उसके साथ में ये व्यू, शिप्स चारा चढ़ते हुए। इतनी धूप हो रही है कि मेरे पसीने निकल गए लेकिन गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना कड़क धूप हो रही है, बाप रे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। बट एक ये है अपनी जो मान नहीं रही है, 56.9 किलोमीटर तक चले गई है अब। तो रुक गया था मैं थोड़ा नमाज के लिए, ज़ोहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुकम्मल हो गई है और अपडेट कुछ ऐसी है अपनी बगमैन की, 58 किलोमीटर पर लीटर 8 किलोमीटर तक चल चुकी है एंड आई बिलीव हम लोग आज 60 किलोमीटर को क्रॉस कर देंगे। मुझे ऐसा डाउट है कि हम लोग आज 60 किलोमीटर को क्रॉस करने वाले हैं, डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए नहीं है अभी, मेरे पास सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को। और ये देखो 61.4 किलोमीटर और ये अभी भी भाग रही है, 61.4 किलोमीटर चल चुकी है भाई। आज तक पता नहीं एवरेज किसी ने दिया है क्या नहीं दिया, अब तक नहीं पता मुझे किसी बगमैन को मिला है नहीं मिला है, लेकिन मुझे मिला ये 61.7 किलोमीटर चल चुके हैं अभी हम लोग। अगर ये फर्स्ट है तो ये अपना रिकॉर्ड होगा भाई, 62 किलोमीटर तक जब हम लोग गए थे तो 62 किलोमीटर में रिकॉर्ड होगा अपना। मुझे लगता नहीं है कि इतना एवरेज किसी को मिला होगा अब तक के बगमैन में। रेस भी नहीं ले रही है गाड़ी, ले रही है छोड़ रही है, ले रही है छोड़ रही है, बट अभी भी चल रही है, चल रही है अभी भी। भाई साहब क्या हो रहा है, मैंने लेकिन अभी अभी गाड़ी ने एक पंप दे दिया है मुझे जहाँ पे गाड़ी ने छोड़ दिया था, तो इससे इतना तो अंदाज़ा हो गया है कि भाई अब ये कभी भी रुक सकती है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 65 पे रुके, एक पंप आया मुझे, अब आया दूसरा पंप, ये देखिए स्पीड स्लो हो रही है, मेरा रेस पूरा है, रेस पूरा है भाई। ये देखो रॉ है कंप्लीट 64.8 किलोमीटर भाई, 64.8 किलोमीटर बहुत अनबिलीवेबल माइलेज मिला है अपने को, बहुत अनबिलीवेबल भाई, यकीन नहीं हो रहा है कि बगमैन 64.8 किलोमीटर का माइलेज दे चुकी है अपने को, 64.8 किलोमीटर। आई डोंट थिंक सो अभी तक कि किसी को भी इतना माइलेज मिला होगा, किसी बगमैन को अभी तक मिला होगा, मे बी हो सकती है अपनी पहली बगमैन है जिसको इतना माइलेज मिला है, समझ नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइलेज है अपने लिए, बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग तो देख ही रहे थे कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी, तो अपने लिए बहुत अच्छा माइलेज है, बहुत अच्छा लगा टेस्ट करके। 64.8 किलोमीटर का माइलेज अपनी गाड़ी ने अपने को दिया है और आप लोगों को तो पता ही है कि सर्विस अपनी किस तरीके से हुई है, तो सारा सर्विस का वीडियो भी है आप लोगों के पास में, माइलेज ट्रेसिंग का वीडियो भी आप लोगों के पास में, कुछ भी इधर उधर नहीं है, जो भी है रॉ है कम्प्लीटली, प्रॉपर 1 लीटर का पेट्रोल था, प्रॉपर जलाया हमने। चलो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत निकालना भी है तो निकाल दो, 64 का तो माइलेज पकड़ सकते हैं हम लोग, 8 का जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको निकाल दो, 64 का तो पकड़ सकते हैं, स्टिल 64 पे भी भाई ये बहुत धमाल एवरेज है, ख़त्म, नेक्स्ट लेवल था।
यही था, मतलब यही बताना था आप लोगों को वीडियो में। मैं आप लोगों को फिर भी चालू करके दिखा देता हूँ भाई एक बार और। 64.8 किलोमीटर, यहाँ से मैं हटाता हूँ स्टैंड, ठीक है। देखो आवाज़ आ रही है पर गाड़ी चालू नहीं हो रही है क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है, सही है। तो हो गई है पेट्रोल टाकी खाली अभी, तो बस अब कुछ नहीं है। अब इसमें अपने पास में जो बचा हुआ पेट्रोल है इसको डालते हैं, आगे तक पहुंचते हैं, आगे पेट्रोल और डलवाते हैं और घर निकलते हैं, ठीक है। तो यही था आपको, यही बताना था आप लोगों को इस वीडियो में, यही टेस्टिंग का पूरा पर्पज़ था कि कितना एवरेज अपने को मिल सकता है। तो ये रही अपनी बस, बहुत प्यारा एवरेज दिए इसने आज। तो इसी नोट पे आज इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिया मनीला।